अमरवाड़ा भारतीय जनता पार्टी और गोडवाना की संयुक्त प्रत्याशी मोनिका शाह बट्टी ने अमरवाड़ा नगर के हृदय स्थल मातेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी नामांकन रैली निकाली। जो कि चराई रोड बस स्टैंड गंज बाजार होते हुए रिटर्निंग कार्यालय पहुंची, जहां रिटर्निंग ऑफिसर हेमकरण धुर्वे, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राजेश मरावी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और गोडवाना संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन प्रस्तुत किया। साथ ही अमरवाड़ा के बारात घर में जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा से आए हुए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ गोडवाना पार्टी के भी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जी, आज क्षेत्र क्रमांक 123 विधानसभा अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी और मेरे पिताजी के अखिल भारतीय गोडवाना पार्टी दोनों की संयुक्त प्रत्याशी, आज हम दोनों परिवार ने मिलकर आज फार्म डाला है विधानसभा के अच्छे भविष्य के लिए, युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए। हमारे सभी अमरवाड़ा विधानसभा के रहने वाले सभी निवासी, सभी का अच्छा भविष्य, हमारी शिक्षा का अच्छा भविष्य, हमारे स्वास्थ्य का अच्छा भविष्य, हमारे जल जंगल जमीन का अच्छा भविष्य, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए आज हम सभी लोग एक परिवार के तरह से नामांकन किया। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मेरा सर्वप्रथम मुद्दा आदिवासी की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की रक्षा है और विधानसभा का विकास है। ठीक, थैंक यू। वहीं इसके अलावा गोडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी देवराबेन भलावी एक अनोखे अंदाज में नजर आए। उन्होंने आदिवासी वेशभूषा के साथ बैलगाड़ी में नामांकन रैली निकाली। रैली में बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सहित आदिवासी समाज का युवा वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित रहा। अमरवाड़ा से रिपब्लिक इंडिया के लिए अमर गिरी की रिपोर्ट।